नमस्कार, मैं हूं सबा खान राही और आप देख रहे हैं लुक मीडिया। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने जिस तरह से कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान हर ज़रूरतमंद की मदद की, उससे वो उनके लिए पूजनीय हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी तमाम तस्वीरें और वीडियो देखने को मिल जाती हैं, जहां लोग सोनू सूद की तस्वीर मंदिर में रख कर उनकी पूजा करते और उन पर दूध चढ़ाते दिखाई देते हैं। वहीं फिर से ऐसा ही नज़ारा तब देखने को मिला जब सोनू सूद अपने घर के बाहर निकले और एक शख्स उनके पैर छूने लगा। कहाँ से हो? क्या काम? अनिकेत, इन्होंने बताया नहीं, इसलिए हम लोग करते नहीं, हम पहले बताते हैं। इसके नंबर लिख दिया और अपना डीटी लिख दिया, मेरा मैसेज कर दिया, भेज दिया गोविंद सर को, भेज दिया है, भेज दिया है। हां सर, कैसे आप? एकदम बढ़िया बढ़िया। बहुत कौन सर? सर एकदम बढ़िया। आप लोगों को हो गया था क्या? उन्होंने नहीं अभी तक किया, नहीं भेजा वाला था अपने, करना है अपने, भेजा था ना मेरे को, वो दे रहा हूँ। लिस्ट नहीं दिया अभी तक? नहीं नहीं, मैं दे रहा हूँ, लिस्ट दे दो, मैं करवा दूँगा सबका। और कुछ आपका क्या है? वो तो सामने सामने कर दिया ये लोगों। आपका इनका कुछ बताते नहीं क्या? उबर थोड़ा सा आगे क्या है इनका प्रॉब्लम? कुछ बताते नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है आप बताओ खुद के। बुरा पार्टी है। हाँ आप बताओ क्या प्रॉब्लम? किधर से है? दिल्ली में क्या करते काम आप? दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली में काम करेगा? कहाँ काम करेगा? यहाँ पे काम करेगा? पहले कहाँ काम करता था? क्या कर क्या काम करता था? ड्राइवर। हाँ गाड़ी गाड़ी चलानी आती है? वो तो पिछला देता है। घर पे कौन कौन है तेरे? घर पे कौन कौन है तेरे? क्या नाम तेरा? निहाल। दिल्ली में कितने टाइम से रहना? दो हज़ार चार से। अभी इधर कैसे आया? नमस्कार विकास, क्या हाल है? बस बढ़िया बढ़िया। तेरा तेरा नाम क्या है? निहाल। पूरा नाम क्या है? निहाल चंद्र। विकास एक बंदा है दिल्ली से आया, तेरे निहाल चंद्र नाम है उसका। अच्छा निहाल जी। हाँ जी। तो अच्छा ज़रा सिंपल सीधा सा बंदा है, इसकी फैमिली फूमली है, जॉब भी नहीं, ऐसे ड्राइविंग करता था पहले। इसको इसके अंदर फैक्ट्री के अंदर कहीं लगाना, उसके अंदर उसको सेट कर देना प्लीज़ अपने। ठीक है, तेरे नंबर भी लिख के दे रहा, सीधा पहुँच जाना बेटा। ठीक है,
खुश है अभी? ठीक है बेटा, रोते गए तू तो? अबे रो क्यों रहा है पगले, रो क्यों रहा है? अरे नहीं ऐसा मत कर रहे तू, ऐसा मत कर, रो क्यों रहा तू, रो क्यों रहा है, रो क्यों रहा है, परेशानी की जल्दी नहीं होगी नहीं नौकरी माजी भाई थोड़ा पीछे अभिषेक परेशान रो क्यों रहा है? कैसे इधर कैसे है? इधर रोक ही रहा है तू, तेरा करा दिया ना जॉब का भी हो गया ना तेरा, फिर क्यों हो रहा है, फिर खड़ा हो जा, नंबर नंबर इसके में लिख के देखा मैं जॉब से, ठीक है इधर चल जाना, उसके बाद लग जाएगी जॉब पे। आपका लड़का क्या है? आइए ऑफिस में हम काम करो तो शूटिंग बंद है मारो, अरे माना जो चार महीने है तानिया आई है, तर आता आमचं ते डिपॉझिटवगैरे काय नाही, आता तुला हटवून दिलं आहे आम्हाला म्हणजे असं गरज नाही, तर चार महिने माझे इधर चल जाए तो भी आप जॉब लगेगी, समझे क्या? कोई इसका नंबर लिख के रखना, वो भी इसका नंबर लिखना है आपको, तो तेरे को याद रहेगा कौन आदमी है? हाँ सर बिजली वाला, तो किस नंबर नंबर फोटो भी पढ़ा लिखा लगता है ना, पढ़ा लिखा बड़ा अच्छा लिखा लिख गया, ये डाल के लिखा मसीद चल रहा है गाजियाबाद के अंदर ना, इसकी रिक्शा की फैक्ट्री है उधर करवा देंगे परमानेंट, ठीक है रहने रोने का भी हुआ दिक्कत में करवा दूँगा वहाँ पर बदली बच्चों का, ठीक है आप इसके अंदर नंबर लिखा हुआ आपका, ये चार महीने हाँ, तो क्या करती है सब बहने? कुछ नहीं, कुछ तो अप्लाई किया था, आपके पास अप्लाई किया तो जॉब के लिए फोन कर। हाँ कितना पढ़ी लिखी है? एक दसवीं पढ़ी है, बाकी सब छः पाँच छः से। तो पढ़ाना चाहिए ना, पढ़ाई पढ़ाई कैसे, मम्मी मम्मी घर काम करती है। अरे तो ऐसा मत करो यार, अरे ऐसा मत करो, ये भी आपका आवाज़ शुरू हो गई ना, हम तो बोल के मैं जैसी बात करूँ आप ऐसे, अरे आप ऐसे मत करो प्लीज़, आप ऐसे मत करो, मैं आपको आपकी पढ़ाई का होगा अभी शूटिंग बंद है ना, जैसे शूटिंग शुरू होगा उनको मैंने कोई कोशिश करता हूँ दिलाने की, बता नहीं तो कोशिश कौन करेंगे, अरे नंबर उठू
क्या बोला इसको पहले डिटेल दोनों नंबर हम लोग बात करेंगे फोन पे बात करते हैं देखते अरे आप ऐसा मत करो घर ऐसा मत करो आप ऐसा मत करो बड़े और मत करो मत करो गाँव जाने का कौन से गाँव जाने के लिए कितने जाने कौन 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 जा रहा है किसी जा रहा है मम्मी जाएगा क्या करो उनके नंबर में काम नहीं क्या खाओ राशन दे दूँ वो दिखा दे उसके नाम लिखेगा मंगवाने में मंगवाना पड़ता है दो दिन लगेंगे दो दिन में सबका आ जाएगा कोर्ट का तो कोर्ट का तो मेरे को ही सारे केस कर देते मैं मदद करना लोगों की मैं अपना ही चूँ आगे सारे काम कहाँ करने देते हैं लोग क्या कौन शादी हो चुका है तो भाई को बुलाना है मेरे नाम नहीं भाई कोर्ट के मैटर ऊपर से मियां बीवी का मैटर है तो मियां बीवी मैटर में नहीं कोई पड़ता तेरे साहब सब परेशान है साले ठीक है मेरे भाई यार मैं कोई ज़्यादा मेरी टीम में एक जूम कॉल है भागना मेरे को तो मैं लिस्ट बना के दे सकता हूँ लावना लावना राई लावना पे लावना शूटिंग बंद होने जा रहे हैं काम ही नहीं हो रहा शूटिंग एक बार शूटिंग शुरू होगा फिर कहीं कोशिश करेंगे मसले ऊपर दरअसल सोनू सूद की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि सोनू सूद अपनी बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। यहां कई लोग सोनू सूद से मदद की गुहार लगाने के लिए खड़े हैं। सोनू ने खुद लोगों से बात करी और उनकी परेशानी सुनी। एक शख्स और एक बुजुर्ग महिला सोनू सूद के पैरों पर गिर गए। इसके बाद अभिनेता उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं और उनके हाथ जोड़ लेते हैं। बता दें कि सोनू सूद ने एक शख्स की नौकरी लगवाने में मदद की है। ऐसे में नौकरी पाकर ये शख्स सोनू सूद के घर के बाहर उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर उनका धन्यवाद किया। आपको बता दें कि सोनू सूद कोरोना पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटे हुए हैं। मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था करने से लेकर ऑक्सीजन दवा एम्बुलेंस तक सोनू सूद देश के हर कोने तक कोरोना पीड़ितों की मदद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जहां सोनू सूद अपनी ओर से मदद पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं तो वहीं वो कुछ केसेस में मरीजों की जान नहीं बचा पा रहे हैं जिससे वो बहुत मायूस हो जाते हैं। अपनी मायूसी जाहिर करी उन्होंने एक ट्वीट के दौरान जिसमें उन्होंने बताया कि इतनी कोशिशों के बाद भी कुछ मरीजों की जान न बचाने को लेकर वे कितने दुखी हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। इस ट्वीट के बाद फैंस सोनू सूद के साथ आ गए हैं और उन्हें हौसला रखने के लिए कह रहे हैं। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया एक मिनट हमारे साथ। We'll be right back.